कितने गलत टाइम पे मेरी तबीयत खराब हुई है। कल अनुष्का बर्थडे, हम लोगों ने फार्म हाउस वगैरह बुक कर रखा है और मेरी आज तबीयत खराब हो गई है। एक और अपडेट देनी थी आप लोग को, जो 24 जून को हमारा मीटअप था वो आगे पोस्टपोन हो गया है 9 जुलाई के लिए, क्योंकि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे उसमें और एक्स्ट्रा प्लानिंग की जरूरत थी और एक्स्ट्रा चीजें, परमिशन, सब चीजों की जरूरत थी। पर नोट कर लीजिएगा 9 जुलाई को हम लोग आने वाले आप लोगों से मिलने के लिए। खोलो सर इसको, कांड खोलो। अरे चल लुटेरो बैठे हो छ। और आजकल कैसे फेमस हो रही हो आप? ये आ रही है। तो सास बहू वाले इनके वीडियोस है ना, उसमें सब कहने लग गए मां को 2000 रुपए की नोट बांट रहे अपने बेटे बहू को, पोतियों को। सास बहू की मस्त वीडियो बना रही हो ना, लड़ाई कराओ लोगे। बाल छोटे को करवाया है आप, अच्छे नहीं लग रहे यार, ये सब पीछे पड़ गए, बोले बाल छोटे कराओ बाल छोटे कराओ। मैं तो खुद, मेरे को अच्छे लग रहे थे बड़े बाल, मैं तो और थोड़े से बढ़ाता हूँ। कोई छोटा कराया मैं तो कोई सेट करवाता हूँ, करा रहा है मैं। बोली तू कटिंग करा गए तो करा तो बनाया। इनको कटिंग ही नहीं नजर आ रही, बाल तो सारे छोटे हो गए। तो कटिंग करा यार, ये सेम चीज पता बचपन में होती थी हमारे साथ, हम कटिंग कराने जाते, कटिंग तो कराई भी दिखी नहीं रही, छोटे कराते लिए। उधर भी समर्थन हो रहा माँ की बात का। तो सास बहू की जोड़ी चल रही ना आजकल। क्या हो गया तेरे, कैसे जल गया? तो तुझे एकदम से क्या जरूरत पड़ रही थी कढ़ाइयाँ पकड़ने की? आज का प्लान मैं आप लोग को बताता हूँ। आज हम काम वाम नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग बैठ के चिल करेंगे, ठीक है? आप जानती चिल करेंगे मतलब क्या होता है? मैं कौन समझूं? आप बोला ऐसे चिल करेंगे, आज चिल चिल करेंगे आज, ये सीरीज देखेंगे देखेंगे। यस, तो आज हम लोग बिंज वॉच करने वाले हैं सीरीज। सीरीज का नाम बताऊं आपको? सास बहू और फ्लेमिंगो। अच्छा, अब सास बहू की जोड़ी इतनी तगड़ी चल रही है तो मैंने कहा यार थोड़ा सा और सास बहू देखा जाए। तो गाइस आ जाओ किचन में, आप लोग के लिए पॉपकॉर्न वगैरह रेडी हो रहे हैं, तो अपन अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अरे हम देख रहे हैं आज सास बहू और फ्लेमिंगो हॉटस्टार स्पेशल्स। हाँ पहले, अभी तो स्टार्ट भी नहीं करी, पॉपकॉर्न पहले खा लेते हो ना? क्या बहुत टेस्टी, मजा आ गया। चलो चलो जल्दी स्टार्ट करो। अंकल को तेरे को कहाँ बिठा दिया है? अरे यार क्या करूँ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाता हूँ। चलो शुरू करें एपिसोड 1, भानु स्टार्ट कर दे। अनिले के आने से लेके सरकार तक सारी बातें। लो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं एपिसोड 4 पर और बीच में आ गया है ब्रेक। हाँ लंच ब्रेक, इंटरवेल इंटरवेल। लो माँ खाओ। अभी तक कैसी लगी सीरीज? मस्त, मस्त। अभी तक तो मस्त लगी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके अबे सस्पेंस तो बताए नहीं। अरे यार खत्म हो गया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी धीमन को मिलने वाली रिया सर। अरे बिजली को मिलेगी, शांता को मिलेगी। क्यों मिलेगी शांता को? क्योंकि धीमन संभालता है मेन काम, तो धीमन को मिलेगी। लेकिन काम एक्चुअली में चलता शांता की वजह से, उसी को बनाया ना पूरा। यार तुम अलग ही कुछ भी, मैंने जिसको बोला उसको मिलेगी बिजली है ना, बिजली सारे अकाउंट संभालती है तो उसको मिलेगी। धीमन को मिलेगी नहीं मिलेगी? देखो मेरे हिसाब से तो है ना कपिल को मिलनी चाहिए। अरे ये इनका अलग डिसीजन है यार, क्यों मिलनी चाहिए उसको? अरे भाई यार घर का बेटा है वो, तो बेटों को तो मिलती है। ये लोग सोचेंगे भाई ये क्या लड़ाई कर रहे हैं, किसका नाम क्या ले रहा है। अच्छा हम लोगों ने अभी ना पूरी एपिसोड ये देख लिया, अब 8th एपिसोड जब देख रहे थे ना तो इतने सारे सस्पेंस बन गए, अब वो अभी सीरीज में नहीं दिखा है। इतने सारे सस्पेंस, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, उसके वजह से हम लोग आपस में ये सबके अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं कि एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या है इसके अंदर। लास्ट एपिसोड में रानी भाई साहब जो कि एक बड़े 500 करोड़ के बिजनेस की ओनर है, वो अपनी रियासत किसी एक जने के नाम करने वाली है अपने परिवार में से, और वो उन्होंने दिखाया नहीं है। अब वो बताया नहीं कि वहीं पर सस्पेंस छोड़ दिया कि किसके हाथ में आनी वाली है रियासत। यहाँ पर सबके अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ किसी हाथ में, ये बोल रही किसी हाथ में, ये किसके हाथ में। तो अपन एक काम करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। हम लोग एक एक कैरेक्टर्स के बारे में उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करना, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपको क्या लगता है किसको मिलेगी। तो मेरा ओपिनियन सबसे लास्ट टाइम बताऊंगा, पहले यशी का सुनते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो बेटी शांता को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस चलाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसकी रेसिपी सिर्फ उसी को पता है, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बिकेगा नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इज इम्पोर्टेंट मनी, इसलिए बेटी को। थारो या पिंक यूनिकॉर्न जान लेवा है। मॉम 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 लिसन लिसन लिसन, इसको बनाना और बेचना दोनों इजी है, क्लाइंट्स पैरों में गिर पड़ेंगे आपके, ट्रस्ट मी। और जिस बदलाव की आप बात कर रही थी ना, या वह बदलाव है जो हम दोनों साथ मिलके कर सकते हैं। यू नो व्हाट, आप इसीलिए वारिस के तौर पे मुझे चुनेंगे, क्योंकि आप खुद जानती हैं कि मैं ही इस बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ।
गाइस मुझे तो लगता है जो उसकी बहू बिजली है ना उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो सारे अकाउंट्स का हिसाब है ना उसी के पास रहता है, और कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी चीजों को इंश्योर करके पैसे कैसे यूज करना है वो सिर्फ उसी को पता है। और जब चीजों का हिसाब ही नहीं रहेगा मुझे एक बात बताओ बिजनेस चलेगा कैसे? हमारे जहाज पे टोटल लॉस है 850 करोड़, बाकी कीमत 650 करोड़, कोकेन डिस्ट्रॉयड 200 करोड़। पर ना 850 करोड़ में से 200 करोड़ के कोकेन में हमारी लागत ही ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़। 220 करोड़ शिप को ऑलरेडी हम दे चुके, बचे कितने 445 करोड़। तो मैंने पिछले साल एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, महंगी थी बट इट कवर्ड ऑल पायरेसी क्लॉजेस। तो फायर का हमें लगभग मिल जाएगा 310 करोड़, बचे 135 करोड़। और कार्लोस का ऑर्डर? वहाँ मैं कार्लोस से मैनेज कर लूंगी, हमें कोई पीसा वापस नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारा नुकसान है सिर्फ 135 करोड़। वाह बिजली बढ़िया, चलो कोई तो है जो आगे की सोच रहा है। बिजनेस चल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा तो कैसे भी बिक तो जाएगा ना। नहीं गाइस मेरी तो वोट जो है वो बिजली को है। इसका शांता प्रोडक्ट बनना चाहिए बिकने के लिए, तो हिसाब निकालना चाहिए ना। तू चुप कर, तू चुप कर। हाँ ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से लेते हैं, उनका क्या डिसीजन है इस चीज के ऊपर। इनका आंसर सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, बताइए आपको क्या लगता है किसको होगा? देखो मेरे हिसाब से बेटों को मिलनी चाहिए। अब इनके क्या दो बेटे हैं, एक कपिल और एक हरीश। ठीक है, कपिल जो है वो समझदार है, जिम्मेदार है, समझता है सारी बातें। हरीश जो है वो थोड़ा मतलब लापरवाह टाइप का आदमी है और थोड़ा सा कम समझ है उसमें। तो मेरे हिसाब से जो है वो कपिल को मिलनी चाहिए। अरे काहे के कपिल को मिलनी चाहिए, उसमें इतनी अकल है नहीं कि वो पूरा बिजनेस संभाल ले, उसको नहीं मिलेगी। वैसे भी हाँ मुझे भी लगता है बेटों को तो कैसे दे सके, दोनों बेटे ऑलमोस्ट ढपोल से ही थे वैसे तो, और एक तो बिल्कुल ही ढपोल था, उनको दे देंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो वो एक कपिल तो समझदार है ना, वो तो होने लगा था समझदार, हुआ थोड़ी था। अरे तो यार जब जिम्मेदारी आती है तो आदमी खुद समझदार हो जाता है। डिसीजन तो अभी जस्ट इसके बाद लिया जाएगा ना, वो वेट थोड़ी करेगी। हाँ अब मैं मेरे हिसाब से गाइस मेरा डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके मुझे लगता है कि जो उनका सौतेला बेटा है धीमन, उसको मिलनी चाहिए। सौतेले बेटे को? हाँ सौतेले बेटे, क्योंकि तूने बोला प्रोडक्ट बनेगा, तूने बोला कि अकाउंट संभाल जाए, लेकिन वो तुम अकाउंट संभालोगे जब प्रोडक्ट बना के रखोगे कहाँ, घर के अंदर ही? मेरे को धीमन ही तो सप्लाई करेगा दूसरी जगह पे, जब तुम बना के क्या घर में रखोगे सारी चीजों को, जब तक सप्लाई नहीं करेंगे ना अकाउंट्स के पास पैसे आएंगे। पर बेटा सौतेला है, वो खुद का बेटा नहीं है, सौतेले बेटे को कोई जायदाद नहीं देगा। हो सौतेले बेटा क्या है, इम्पोर्टेंट कितना हूँ, अरे मैं खुद को डीमन समझ रखा हूँ खुद की तरफ पॉइंट रख रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट तो हुआ ना डीमन। एक चीज बताऊ, देखो बेटा तो है ना, वो घर का बेटा तो है ना, चाहे वो सौतेला ही हो, है तो बेटा ना। अरे अंकल मेरी साइड आ गए, नहीं मैं साइड नहीं ले रहा, मैं जो सौतेले फैक्ट होनी चाहिए, जो बात फैक्ट है वो बता रहा हूँ यार। उन जो अथॉरिटी में दे देना, हाइट शिफ्ट होता ही शिप को चैनल के अंदर ले, पड़ रात होते लोडिंग करा के सुबह हाईटेड के साथ निकलवा भी देना। जिम्मेदारी कितनी, तुम कितनी भी चीजें बना लो, सप्लाई नहीं होगा जब तक काम नहीं है। ऐसा होता नहीं है देख, अब ये देखो यही चीज है, सारे कैरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है अपने अपने आप में। अब ये इसीलिए इतना कंफ्यूजन हुआ क्योंकि सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनको रियासत मिल सकती है किसी एक को देनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब इक्वली इतने ही है। इंपॉर्टेंस तो सबकी है ना। हाँ सबकी, अब हर फील्ड में सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मिलेगी किसको, अगर एक को भी उसमें से हटा लेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। यस, लेकिन रियासत तो एक ही को मिलेगी ना, डिसीजन तो एक के ऊपर ही होगा। अब ये देखो इसीलिए इतना एकदम जिद बहस हो गई थी हम लोगों के बीच में क्योंकि मिलेगी एक को। अब आपने भी हम सबके पॉइंटों को सुने, आपको क्या लगता है कि किसको मिलेगी, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, कमेंट करके बताना। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो आपको देखनी पड़ेगी सास बहू और फ्लेमिंगो। माँ बताओ किसको मिलेगी? मैं तो किसी को भी नहीं देऊंगी। अच्छा ये हमारी रानी भाई सा हो गई एक तरीके से, आप बताओ किसको देगी आप? किसको देऊं बता, बेटी को, बेटे को, सौतेले बेटे को या बहू को? मैं तो मैं रखूंगी और किसी को भी नहीं देऊंगी। क्या देनी तो पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी, किसी को भी नहीं देऊंगी, बेटा तो उड़ा देंगे। ये हुई ना बात, तो बेटे का नंबर तो आउट हो गया। अच्छा ओवरऑल कैसी लगी सबको, मजेदार? सो गाइस आप लोग भी देखिए सास बहू और फ्लेमिंगो ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार।
आप भी आ गई, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका नहीं है बर्थडे, सोई नहीं है अभी आज तक आप? मैंने इसलिए आपको कॉल नहीं करा, मैंने कहा सो गई होंगी। हैप्पी बर्थडे भैया से, मेरे भैया से। हैप्पी बर्थडे। चलो केक कट करें, बोनट पे रख लो। फ्लैट पे, उस आपकी फ्लैट पे लेने आए, मैंने कहा सो रहे होगे तो मैंने कहा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए अनुज को बुला लिया हमने कॉल करके घर पे। मम्मी का कल का प्लान था वापस से यूपी जाने का, वो हमने कैंसिल करा दिया है। मम्मी को ये चढ़ा रहा हूं मैं, कैंसिल करा दिया मम्मी का प्लान। एक दिन लेट तो जाना नहीं, वही काट लेते। अरे अंदर तू अभी कौन ताला वाला खोलेगा, जाएंगे अंदर, बाहर के बाहर ही काट। पापा ने तो पता क्या बोला था, अरे मम्मी क्या करेगी, जाके मना कर दे तू तो, क्या काम जाएगी गर्मी में, और क्या मना कर दिया था पापा ने तो। बोल रहे थे क्या? हाँ, इसी पर अगले गाड़ी के अंदर जाएगी भाई। अरे डब्बा वापस पैक करके देंगे, अभी लेके जाएगी आंटी। जाओ 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 आंटी, जाओ आंटी, माचिस लाना तुम। हेलो, हेलो, होगी होगी इसमें, दिखा मेरे को। नहीं नहीं नहीं, इस पे भी नहीं और इसके अंदर भी नहीं है। नहीं नहीं, चल कोई नहीं, कोई नहीं, इसके केक काटो। कितने साल का हो गया यार? 21 का हो गया। तो क्या हो गया? दीदी हो गई 26 की तो। दीदी तो 30 की हो गई। नहीं नहीं 26 के हो गए, हो गया पक्का। 26 पक्का। अनुज कैसे कह रहा, किसी को अच्छी लगती कैसे खाई है दीदी? एकदम सही करा तेरे साथ तो। और क्या अभी हुई है 19 का छोटा भाई, 21 का हो गया ये 19 के। मैं तो किसी भी एंगल से 26 की नहीं हूँ, हूँ भी नहीं। मम्मी आप कितने साल की हो? 28 साल। अरे ये तो 42 बता दी, 28 की वैसे। क्या हुआ, क्या हुआ? ड्रैगन फ्रूट कितना गंदा था। ठीक है, ओके बाय। अब सो, सुबह का प्लान जो था वो कैंसिल, अब आराम से सो सुबह तक। सुबह जा रही थी 7 बजे। और क्या, कैंसिल करा दिया तुमने? तो अगले दिन चले जाना, तो क्या हो गया। ठीक है, हम निकलते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। पापा कह रहे थे तू नहीं जा रही क्या? मन भी कह रहा था जरूर लेके जाएंगे। आपको गांव लेके जाएंगे परसों, गांव।